जैक बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। मैट्रिक की परीक्षा में 90% से ज्यादा बच्चे सफल हुए हैं। एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। वहीं मैट्रिक की परीक्षा में हजारीबाग के इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय का जलवा रहा। टॉप 3 में 4 छात्राएं हैं और चारों बच्चे इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय के हैं। ज्योत्सना ज्योति स्टेट टॉपर बनी है, जबकि सना संजोरी सेकेंड टॉपर, वहीं करिश्मा कुमारी और सृष्टि सौम्या थर्ड टॉपर बनी है। जैक 10वीं में 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स पास। अब की बार भी लड़कियों ने मारी बाजी। हजारीबाग की ज्योत्सना ज्योति स्टेट टॉपर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। मैट्रिक की परीक्षा में 90.39% बच्चों ने सफलता हासिल की है। 10वीं की परीक्षा में 90.39% बच्चे सफल हुए। मैट्रिक में 378,398 छात्र छात्राएं पास। 205,110 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास। 153,733 परीक्षार्थी सेकंड डिवीजन से पास। 19,555 स्टूडेंट्स थर्ड डिवीजन से सफल। मैट्रिक की परीक्षा में छात्राओं ने मारी बाजी। 91% छात्राएं और 89.70% छात्र सफल। पूर्वी सिंहभूम जिले का रिजल्ट सबसे अच्छा, देवघर जिले का रिजल्ट सबसे खराब। बार जो बॉटम 5 जो जिले हैं जिनमें रिजल्ट अपेक्षाकृत कम हुआ है वो हैं देवघर, साहेबगंज, वेस्ट सिंहभूम, पाकुड़ और जामताड़ा। टॉप जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है उसमें जमशेदपुर, ईस्ट सिंहभूम, दूसरा हजारीबाग, तीसरा गिरिडीह, चौथा लातेहार और पांचवा कोडरमा। इस बार जो हमारी बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, वो बच्चों की तुलना में उनका रिजल्ट अच्छा रहा है। अगर ओवरऑल देखें तो हमारी बच्चियों का 91% है उत्तीर्णता का और हमारे बच्चों का है 89.70। हजारीबाग के इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय का जलवा। टॉप 3 में इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं। ज्योत्सना ज्योति बनी स्टेट टॉपर, 99.20% मार्क्स। सना संजोरी बनी सेकंड स्टेट टॉपर, 98.60% मार्क्स। करिश्मा कुमारी और सृष्टि सौम्या थर्ड स्टेट टॉपर्स, 98.40% मार्क्स। टॉप 10 में 44 छात्र छात्राएं, 19 छात्राएं इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय के। में हम लोग रिजल्ट ठीक है, मेरे हिसाब से जैसे रिजल्ट है सही रिजल्ट है। माने मेरा बच्चा कमजोर नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ते हैं। मेरा तो आपको इससे पता चलता है थर्ड डिवीजन बहुत कम है, थर्ड डिवीजन 5% है। ये माने मेरे बच्चे भले थोड़ा बहुत कहीं शिक्षक का कमी बोलता है, कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे सही हैं। और उनके द्वारा जो टाइम लाइन दिया गया था उस टाइम लाइन के अधीन हम लोग एग्जाम्स कराए, कॉपी वैल्यूएशन हुआ और रिजल्ट भी हमने देने का प्रयास किया उस टाइम लाइन के अधीन। एक दिन पहले हो गया जबकि बोले थे 20 अप्रैल के आसपास आप लोग करा लो, हम लोग एक दिन पहले कर दिए। 2023 में 95.47% बच्चे सफल हुए थे, लेकिन अब की बार रिजल्ट में करीब 5% की गिरावट आई है। पूर्वी सिंहभूम का रिजल्ट 94% रहा, जबकि सबसे कम देवघर का रिजल्ट 84% रहा। जैक ने पहली बार अप्रैल महीने में रिजल्ट जारी कर रिकॉर्ड बनाया है। वहीं 10 दिनों के भीतर इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी करने का भरोसा दिलाया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन विक्की के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।